तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो, और आज हम डिस्कस करेंगे वीवीए की बेसिक फंडामेंटल के बारे में। ओके सीखने से वीवीए सीखने से पहले दो चीज पे आप गौर करें कि वीवीए क्या है और इसकी नीड क्या है। ओके समझ गया। सबसे पहले बात करते हैं कि वीवीए क्या है। अगर हम ग्रामीणली आए तो वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि वीवी 6 से बना हुआ है। वीवीए 6, विजुअल बेसिक 6। जब .NET नहीं थे, वीवी स्टूडियो नहीं था ना, तो वीवी 6000 है। ओके तो उससे बना हुआ है, राइट। इसका काम क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन में फीचर्स को डेवलप करना माइक्रोज के रूप में। समझे, समझ जाइए ना कि एक मैकेनिक है जो आपके बाइक और आपकी गाड़ी जो भी है उसमें एडिशनल टूल्स को लगाता है। ओके अब गाड़ी खरीद लेते हैं, कंपनी तो से गाड़ी आती है, तो आप एसेसरीज अलग से लगवाते हो ना? हाँ, उसमें बेसिक एसेसरीज आती हैं, बाकी बाहर से लगवानी होती है। हाँ, सेम थिंग आप वीवीए समझ लो। आई नो, समझ गए। तो विजुअल बेसिक जो आपके वीवीए है, किसी भी एक्सेल भी नहीं, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक, इन सबको सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके इससे बनता क्या है? इससे बनता है मैक्रोज। सबसे पहला, दूसरा फंक्शन, और तीसरा यूजर फॉर्म, राइट। मैक्रोज की बात करें तो हम इसको ऑटोपैड कर सकते। वॉइस ब्रेक हो रही है सुजीत जी आपकी, अभी भी रिजर्व ठीक है, बट बीच बीच में जैसे वो मैक्रोज आपने बोला, देन फंक्शन और यूजर फॉर्म मेरे पास आया ही नहीं। हाँ, तो मैक्रोज, फंक्शंस, यूजर फॉर्म, तीन चीजें हम बनाते हैं। तीन, ये समझ लीजिए कि वीवी एक प्रोडक्ट है, वीवी एक फैक्ट्री है, तीन इसके प्रोडक्ट है। तीन प्रोडक्ट, ओके, तीन पार्ट में है वीवी बेसिकली। हाँ, तो तीनों वन बाय वन समझते हैं। मैक्रोज, इसको हम ऑटो पायलट कह सकते हैं। ओके, क्या होता है कि आप डेली बेसिस में रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट एक तो होता है कि रिपोर्ट बनाने का कोई सीक्वेंस ना हो, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा रिपोर्ट आप बना दिए। दूसरा, आपके 5 फिक्स रिपोर्ट है, हर दिन डेटा अलग नया आता है, लेकिन डेटा का पैटर्न वही होता है। बनाने के आपके 50 स्टेप्स हैं, उस 50 स्टेप को फॉलो करके आप रिपोर्ट बना लेते हैं। ओके, ठीक है, उस 50 स्टेप को आप लाइन में लाइन कोड कर दो और लिख के रख दो। अगली बार जो रिपोर्ट बनाना होगा तो आपको उस 50 स्टेप को फॉलो नहीं करना है, ठीक है, बस एक मैक्रो को रन करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आपको मेल रिसीव हुई होगी, हुआ ना सर? हाँ जी। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैं बस इस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करता हूं और माइक्रो में जाके रन कर देता हूं। ओके, ठीक है। ये क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट मेरे जीमेल आईडी को बैकएंड में रन करता है। ओके,
बैकेंड में मेरे जीमेल आईडी को क्रोम खोलता है, जीमेल आईडी को खोलता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालता है, मेल को कंपोज करता है और मेल को भेज देता है। ओके तो हमें हर बार एक ही मेल स्टेप को फॉलो करना होता था ना सर, इसलिए ऐसा बनाया। आपको कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, तो आप ऐसा मेल पैटर्न नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। तो मैक्रोज का इस्तेमाल क्या होता है कि अगर आपको सिस्टमैटिक ढंग से कोई अगर मैक्रो बनाना है, कोई स्टेप्स को फॉलो करना है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल आप कर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है काफी आपकी। एक सेकेंड मुकेश, एक से उनके सर हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज से आ रही है आप सर? हाँ अभी ठीक है, अभी तो ठीक है, पर बीच बीच में ही कुछ इशू हो जाता है। ओ सर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैक्रो हमारा ऑटो पैलेट है, तो मैक्रो के जरिए क्या क्रिएट करते हैं समझ में आ गया आपको सर? और सबसे ज्यादा यूजीसी का होता है कि आप अपने ऑफिस के रूटीनेबल फाइल को ऑटोमेट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम आती है, क्या फुल्ली ऑटोमेट होगा? सर वो डिपेंड करता है आपकी इसके ऊपर कि आपका क्या डेटा क्या है और करना क्या चाहते हैं आप। ठीक है चंदन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आवाज, आ रही है, क्लियर आ रही है ना? हाँ जी सर। कुलभूषण जी देखिए आपके एंड से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तो मेरे एंड से प्रॉब्लम होता तो आपको भी होता और चंदन जी को भी होता। सुजीत जी मेरे साथ इश्यू हो रहा है, आई थिंक कुछ। हेलो, बोला है कि सर मेरे एंड से प्रॉब्लम होती तो चंदन जी को प्रॉब्लम होती, क्योंकि चंदन जी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब आपके एंड से कोई प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप कंटिन्यू करिए, बस बाद में ना मुझे ये वाली वीडियो आप दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, तब तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में मेरे पास जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना उसमें वॉइस नहीं आएगी आपकी। ठीक है सर, तो आप अपना वाला एक्सेस दे देना मुझे, बाकी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा मैक्रो, मैक्रो के बाद बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन कि आप अपने लिए फॉर्मूला, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे फॉर्मूला है, ऐसे फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं खुद के फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो फिर से नया फॉर्मूला बनाने की जरूरत क्या है? दो केसेस में, पहली केसेस कि हो सकता है
कि फॉर्मूला जो फॉर्मूला है आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करता हो, इसलिए आप अपने हिसाब से वी लुकअप मान लीजिए कि वी लुकअप में आप मान लीजिए पूजा 10 बार आ रखा है, तो 10 की वैल्यू एक सेल पे कॉमा के साथ चाहिए आपको। अब ये रिक्वायरमेंट तो एक सेल पूरा नहीं कर सकता है, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला बना लिया। दूसरी एक्सेल के फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आप वीवी में सिंपलाइज करके वीवी का नया फॉर्मूला बना लिया, तो हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा कि जो आप मैक्रो डिजाइन करेंगे, जो एक बड़ी रिपोर्ट को ऑटोमेट करेंगे, जब आप 15-20 पेजों का कोड लिखेंगे, उस वक्त ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा पार्ट, कुछ ऐसा कैलकुलेशन आपको बहुत बार करना पड़े एक मैक्रो के। तो हर बार कोड को कॉपी पेस्ट कर सको, क्योंकि हर एक मैक्रो की लिमिट होती है, तो हर बार कोड को कॉपी पेस्ट करना और मैक्रो के साइज इंक्रीज करना दिक्कत हो सकता है। तो हम एक फंक्शन बना के उस कैलकुलेशन को फंक्शन में डाल के उस फॉर्मूले को हम कॉल कर दें। सॉरी सर, अब बात करते हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म के जरिए हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि पॉपअप। इस तरह पॉपअप दिखा ना आपको, इस तरह की जो पॉपअप है इसको बनाने के लिए आप यूजर फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो यूजर फॉर्म का इस्तेमाल हम इंटरफेस के लिए, जैसे बड़ा बड़ा माइक्रो आपके पास है, अब उसको आपने बना लिया लेकिन उसमें बहुत सारे वैलिडेट एंट्री के साथ उसको रन करना है। जैसे मान लीजिए ना कि पिवट टेबल, पिवट टेबल बनाने का मान लीजिए कोड आपने जनरेट किया, पर पिवट टेबल बनाने से पहले बहुत चीज देखना हो कि डेटा आपका एक्सेल का है या अदर सोर्सेज है, न्यू वर्कशीट पिवट चाहिए या अनदर वर्कशीट पिवट चाहिए। तो अगर आप इसको इंटरफेस ना दे तो आपको कई सारे मैक्रोज बनाने पड़ेंगे अलग अलग, कि अगर डेटा एक्सेल शीट से सिलेक्ट करे, टेबल से सिलेक्ट करे, तो उसका अलग, उसका मैक्रो अलग तरीके से बने, एक्सटर्नल डेटा सोर्स ले उसका मैक्रो अलग तरीके से बने, उसका इनपुट अलग तरीके से बने। तो इसलिए हम इस तरह के इंटरफेस बनाते हैं कि हमें यूजर एक वैलिडेट एंट्री करे और मुझे हमें उसका उसके अकॉर्डिंग चले और हमें प्रोग्राम में ज्यादा ना प्रोग्रामिंग करना पड़े, इसलिए इंटरफेस तैयार करते हैं। तो वीवी के थ्रू आप मैक्रोज क्रिएट करेंगे, आप फंक्शंस क्रिएट करेंगे एंड आप यूजर फॉर्म क्रिएट करेंगे। चंदन जी क्लियर है चीजें? यस सर। मनीषा पटेल जी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कि अब इसकी दो चीज आपने जाना कि वीवी आखिर क्या है और उससे करेंगे क्या, समझ गया? वीवीए की प्रोग्रामिंग, वीवीए स्टार्ट करने से पहले, वीवीए की लर्निंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले चीज कि आप इसको एक्सेल की तरह हल्के में ना लेंगे, क्योंकि एक करेक्टर इंटरफेस है, करेक्टर यूजर इंटरफेस है, मतलब कि हर चीज आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, एक कॉमा एक डॉट की मिस्टेक भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी इसमें, ठीक है?
माने इसमें मैं आम बाल जल की बोलचाल की भाषा में बोलू कि इसमें तुक्का नहीं मार सकते आप, इसलिए सीरियस होकर आपको रखना पड़ेगा। शुरुआती दौर में जैसे आपने लैंग्वेज में अंग्रेजी सीखा होगा तो वर्ड मीनिंग्स याद किया होगा, आपने ट्रांसलेशन याद किया होगा, ट्रांसलेशन के रूल्स टेंस सारी चीज याद किए होंगे, ऐसे इसके अंदर भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसको हम लैंग्वेज की तरह सीखें तो थोड़ा सा आसानी होगी, हम इसको प्रोग्राम की तरह और इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सीखें, हम इसको एक लैंग्वेज की तरह सीखें। आप ये समझिए कि आप अपने आदेश को, अपने ऑर्डर को एक्सेल को देना चाहते हो और एक्सेल को समझाना चाहते हो ताकि आपके बताए हुए काम को कर दे, समझ गए। और साथ में समझ जाइए कि आपका एक्सेल जो है एक नंबर का गधा है, हर बात बताना पड़ेगा तभी करेगा, बिना बताए हुए बिना समझाए हुए नहीं करेगा। ओके, अब उसी चीज कि आपके पास डेवलपर का टैब होना चाहिए क्योंकि जो भी माइक्रो की इंटरफेस होगी यहीं से होगा। अगर वीवीए का डेवलपर का टैब नहीं है तो फाइल मेनू बार के ऑप्शन में जाए और यहां आपको डेवलपर का टैब मिल जाएगा कस्टमाइज रिबन में, यह इज द डेवलपर टैब। ओके, उसके बाद डेवलपर टैब में आप जाओगे माइक्रो सिक्योरिटी को और माइक्रो सिक्योरिटी को एनेबल करो। अब इसको एनेबल करना जरूरी क्यों है, आप अगर एनेबल नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट होता है डिसेबल विथ नोटिफिकेशन। आपको वन पीसी में वन टाइम ही करना है, हर दिन हर बार नहीं करना है, लाइफ में एक ही बार करना है, एक पीसी में एक एक्सेल में। जब आपका ऑफिस चेंज होता है तो अगेन करना है। होता है क्या है कि अगर डिसेबल कर देंगे तो माइक्रो को डिफॉल्ट रीड नहीं करेगा, विदाउट योर परमिशन माइक्रो को रीड नहीं करेगा। जैसे आप माइक्रो वाली फाइल को खोलेंगे यहां पे एक ऑप्शन का आ जाएगा एनेबल माइक्रो या सिक्योरिटी वार्निंग टाइप का आ जाएगा, क्लिक करके आपको एनेबल करना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपकी जो फाइल है, याद रखिएगा फाइल को सेव करना है, जो भी माइक्रो रिकॉर्ड करे या कोड करे या कुछ भी करे तो आपको यहां पे वर्कबुक में आपको सॉरी एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करना है, एक्सेल वर्कबुक में आपको सेव नहीं करना। अगर आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव करते हो तो ये माइक्रो डिसेबल फाइल होती है, आपकी सारी माइक्रो को लॉस्ट कर देगा। सो रिमेंबर, हमेशा सेव करना है माइक्रो अनेबल वर्क। क्लियर है सर? चंदन जी, यस सर। ओके, तो अगर प्रॉब्लम हो कि हर बार आपको सिलेक्ट करना पड़े तो ऑप्शन पे जाए और यहाँ पे सेव पे जाए और यहां से माइक्रो अनेबल वर्कबुक सिलेक्ट करें तो आपको हर बार फाइल जो है माइक्रो अनेबल वर्कबुक सिलेक्ट हो। और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नॉर्मल फाइल को भी इसी में डालो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब एक बात करते हैं कि डेवलपर में या फिर व्यू में आपको एक रिकॉर्ड माइक्रो का है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। सॉरी सर, थोड़ा सा मोडम रीस्टार्ट हो गया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे रिकॉर्डिंग माइक्रो के। अब कुछ लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे ऐसा फोन में पाया गया हूं मैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि वीवीए का मतलब हुआ कोड, कोडिंग जो हम कोडिंग करते हैं कोडिंग वाली वीवीए कहलाती है। ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है
मैक्रोस का मतलब होता है जो हम यहां से रिकॉर्ड करते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। आप कोडिंग के थ्रू या रिकॉर्डिंग के थ्रू आप बनाएंगे मैक्रो। तो ये रिकॉर्डिंग क्या है, चलिए मैं बताता हूं। रिकॉर्डिंग है जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड मैक्रो को ऑन कर दिया। अब यहां पे कुछ भी करते हैं, जैसे हमने A2 पे गया, यहां पे नाम लिखा पूजा, यहां पे लिखा रोल नंबर, यहां पे लिखा मार्क्स। तो इसका जो भी कोडिंग करने का जो ए है, जो भी इसका हमने अभी जो भी माउस के जरिए कीबोर्ड के जरिए जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसको वो कोड में कन्वर्ट कर रहा है। कोड क्या होता है, आपकी मूवमेंट का कोड होता है, ठीक है ना, आप जो भी एक्शन करते हैं उसका लाइन ऑफ कोड होता है, लाइन ऑफ कोड इक्वल टू योर एक्शन। तो ये आपके एक्शन को लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट करता है। वीवीए प्रोग्रामिंग जब खुद लिखते हैं तो वीवीए प्रोग्रामिंग क्या करता है कि लाइन ऑफ कोड को एक्शन में कन्वर्ट करता है और ये एक्शन को लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट करता है। ये एक तरह का प्रोग्राम है जो कि आपके रिकॉर्डिंग्स बनाता है। देखिए आपके आपके लिए उसने माइक्रो राइट कर दिया। आपने A2 को सिलेक्ट A2 पे गए, क्लिक किए तो A2 को यहाँ A2 पे क्लिक करने का कोड डाल दिया। A2 पे आपने पूजा लिखा, A2 पे पूजा लिखने का कोड कर दिया। रेंज B2 पे हमने क्लिक किए तो रेंज B2 पे क्लिक करने का कोड कर दिया। उस पे रोल नंबर लिखा, रोल नंबर लिखने का कोड कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, माइक्रो क्रिएट कर देता है। जैसे कि आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, मान लीजिए आप चाइनीज, आपको नहीं आता है, आपने चाइनीज को लिया और गूगल के ट्रांसलेटर में पेस्ट करके आपने प्ले बटन दबा दिया, उसने बता दिया कि चाइनीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके कन्वर्टर के रूप में बता दिया, आप समझ गए कि इसका मीनिंग क्या है। अब इसमें पहला दूसरा दो क्वेश्चन में आते हैं कि हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे क्यों, क्योंकि मेरे पास तो जेम्स बॉन्ड है कि मैं जो भी करूंगा उसकी प्रोग्रामिंग राइट कर देगा, क्या चंदन जी? यस सर। जब खुद ब खुद हमको राइट करके प्रोग्रामिंग मिल रही है तो हम सीखेगा। मान लीजिए ना कि आपके पास एक ऐसा डिवाइस मिल जाए जिससे आप हर तरह के लैंग्वेज को समझ सके और हर तरह के लैंग्वेज को बोल सके। आप बोलो हिंदी लेकिन वो चाइनीज, जापानी, रशियन, फ्रांस सब में कन्वर्ट करके सामने वाले को सुना दे, तो फिर कोई लैंग्वेज सीखो क्यों? जैसे कि मोबाइल फोन आने से हम नंबर याद करना भूल गए, वरना हम नंबर याद करते थे। Yes, sir. पहले बचपन में हमने तो याद की हुई है, अब पता नहीं आपने याद की हुई है, पता नहीं, हमने बहुत सारे नंबर याद की थी अपने रिश्तेदारों के। अभी मेरे खुद की वाइफ के नंबर मुझे याद नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास मोबाइल गैजेट है। सेम थे कि यहां पे हम क्यों सीखे। तो पहले चीज का आंसर दीजिए कि गूगल, मान लीजिए गूगल पे जाके आप ट्रांसलेट करते हैं तो क्या वो एग्जैक्ट ट्रांसलेट देता है? नहीं, ग्रामेटिकली मिस्टेक कर देता है, समझ गए? यस सर। उसी तरीके से अगर आप यहां हर चीज का कोडिंग नहीं कर सकते क्योंकि इस कोडिंग को डायनेमिक नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ना कि आपको एक को 50 बार कॉपी पेस्ट करना, तो मैनुअल आपको 50 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो कोड जनरेट होगा ना। यस सर। टाइम तो कंज्यूम हो ही गया, लेकिन जब हम कोडिंग करेंगे तो उसको डायनेमिक करेंगे, हम उसको लूप के अंदर डालेंगे। हमें कंडीशन करना है कि भाई रोल नंबर ग्रेटर देन 50 हो तो ही कॉपी करूं वरना कॉपी ना करूं। अब ये चीजें तो मैं नहीं कर सकता ना कि ग्रेटर देन 50 हो, क्योंकि ग्रेटर देन 50 है नहीं, ये तो मेरे दिमाग में है, सिस्टम को कैसे पता चला कि कॉपी हमने किया तो कितने 50 था या नहीं था। तो रिपीटेशन, तीन चीजें होती है, पहले रिपीटेशन, डायनेमिक और चौथा कनेक्टिविटी, समझ गए? यस सर। ये चीजें आप नहीं कर सकते। इन शॉर्ट मैं कहूं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो के जरिए आप 5 या 10% भी कोड प्रोग्राम बना पाओगे, बाकी नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है तो फिर इसका यूज क्या है,
इसके दो यूज है। पहला लर्निंग पर्पस से, मान लीजिए कि आपको पेस्ट स्पेशल करना है, कोई प्रोग्राम बना रहे हो, उस प्रोग्राम में आपको पेस्ट स्पेशल करना है और पेस्ट स्पेशल करने का कोड आप भूल गए हो या आता नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आप जाओगे और करोगे माइक्रो को रिकॉर्ड और फिर आप एक बार पेस्ट स्पेशल को फॉलो करो। पेस्ट स्पेशल पेस्ट है, माइक्रो को स्टॉप किया और फिर इस माइक्रो में जाके हम एडिट में इसकी कोडिंग देखेंगे। दिख रहा है कोड? यस सर। यहां आ गया सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल, पेस्ट इक्वल टू एक्स पेस्ट इज द वैल्यू, ऑपरेशन स्किप ब्लैंक ट्रांसपोज फॉल्स आ गया। दिखा सर? यस सर। तो इससे क्या आइडिया लगा कि आप पेस्ट टू कोड जान गए, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसके अंदर जो चीजें चाहिए वो चेंज करके आप अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हो। पहले तो यू जान गए। तो शुरुआती दौर में लर्निंग करते समय रिकॉर्डिंग माइक्रो आपका एक गाइड की तरह काम करेगा। ठीक है चंदन जी, मनीषा जी? यस सर। अब इसमें दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा यूज क्या है? अब दूसरा यूज के लिए मुझे कोई डेटा ओपन करना है। कोई भी डेटा, जैसे क्लास फाइल। अब मेरे पास डेटा है, मुझे एक ऐसा माइक्रो बनाना है कि मेरे डेटा को फिल्टर लगा, मेरे डेटा को फिल्टर करे, मंथ में जाके जनवरी सिलेक्ट करे, उसकी डेटा कॉपी करे और सीट पे ऐड करे। ठीक है? यस सर। तो मैं यहां पे आता हूं, रिकॉर्ड मैक्रो ओपन किया, हम एडू को सिलेक्ट किए, फिल्टर लगाया, जैन को एक बार हम इसको अप्लाई करें, अप्लाई किए, इसको सेलेक्ट किया और इसमें सेलेक्ट करने के साथ साथ हम यहाँ पे गो टू स्पेशल में गए, हम विजिबल सेल्स को सेलेक्ट किए, कॉपी किया और डेट नई सीट इंसर्ट की, उसमें पेस्ट किया और इसमें हमने डाल दिया। ठीक है? और रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखिएगा कि फालतू की माउस मूविंग, फालतू की क्लिकिंग नहीं होगी, हर चीज का कोड बन जाएगा और ऑलरेडी जो सीट है उसमें मत जाए, क्योंकि वो सीट होना चाहिए ऑलरेडी, फाइल ओपन है उस पर न जाए, बनाओ हर बार ओपन होना चाहिए, उस पर फाइल पे जाने के लिए कोड ले लेता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए डेवलपर में जाता हूं माइक्रोज लिस्ट में और अभी जो माइक्रो बना है माइक्रो 3 बना है और हम इसको एडिट में आते हैं। अब एक माइक्रो मेरा कोड हो गया, अब ये माइक्रो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो हमने इसको अपने हिसाब से कुछ कोड डिलीट कर दिए, जैसे कि A1 107 है तो आप A1 पे भी जाके फिल्टर लगा सकते हैं, उसके बाद बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे C2, हर बार C2 तो नहीं होगा ना, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्टिव सीट भी है, एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, तो हम एक्टिव सीट ले लेते हैं क्योंकि जो सीट ऐड होती है वही एक्टिव होती है, रन हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि हर बार अप्रैल का ही बनाएगा, मैं चाहता हूँ कि भाई अलग बनाए, तो मैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स का कोड डाल देता हूँ कि I=input बॉक्स। अभी कोड क्या है कैसे है हम बाद डिस्कस करेंगे, बस एक रिक्वायरमेंट बता रहा हूं। ठीक है? तो आप इसकी रिक्वायरमेंट yes. को समझिए ताकि आगे ना, अब जहां जहां मुझे चाहिए वहां वहां आई कर दे। आई क्या है? आप मैथमेटिक्स के समय लिखते थे ना XYZ ABCD, तो ऐसे हम यहाँ पे ले रही है ताकि वो नंबर को स्टोर करे। X=100 किया, जहां 100 जहां हम X लेते हैं, मैंने यहाँ पे I=input बॉक्स कर दिया।
अब इनपुट बॉक्स में जो भी स्टोर होगा वो आई पे होगा, जहां जहां इनपुट बॉक्स की वैल्यू की जरूरत है वहां हम आई ले लेंगे, ठीक है। अब मेरा माइक्रो ये परिपूर्ण हो गया, अब मैं कभी भी फाइल अपने डेटा में जाऊंगा और हमें माइक्रो टू का यहां से रन करूंगा तो मुझसे मंथ पूछेगा, मंथ मैंने डाल दिया फायर और मैंने किया और फरवरी का रिपोर्ट बन गया। मुझे कोडिंग आती थी लेकिन हमने क्या किया, पूरा कोड किया नहीं, हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो की, अगर मैं इस कोड को लिखता तो मुझे ज्यादा टाइम लगता। क्या बोला चंदन जी? यस सर। तो हमने इस कोड को मैनुअली नहीं लिखा, हमने कोड को मैनुअली नहीं लिखा, हमने रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्डिंग माइक्रो में जहां जहां गलतियां थी, जहां जहां डायनेमिक नहीं थे, उसको हम यहाँ पे चेंज करके डायनेमिक कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ कि हमें एक आध लाइन ही लिखना पड़ा और हमारा माइक्रो जनरेट हो गया। इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और अभी आपका काम क्या है, अभी आपका काम यह है कि आप एक नोट पैड लो, एक रजिस्टर लो, रजिस्टर खरीदो आप लोग, ठीक है। अब जो भी करोगे रजिस्टर पे नोट करना पड़ेगा और आप होम मेनू के फिलहाल तो होम मेनू लिखिए, होम मेनू इंसर्ट पेज लेआउट के हर एक ऑप्शन को रिकॉर्ड कीजिए, अप्लाई कीजिए, स्टॉप कीजिए, उसके कोड को समझिए, क्योंकि कोड सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। समझ गए सर? यस सर। उसको कीजिए, फिर कल हम आपको डिक्लेरेशन द माइक्रो के बारे में समझाएंगे और कोड्स के बारे में और इसके आगे के बारे में समझाएंगे। कल कितने बजे क्लास होगी सर? सेम 5 बजे क्लास स्टार्ट होगी। ओके सर। ओके, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? अभी तो नहीं है सर, कल देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल। यस, बाय।